दिल्ली के सीएम ने ईडी के समन को फिर से नकार दिया, लेकिन झारखंड में सस्पेंस बना हुआ है। झारखंड पर भी डिटेल आपको देंगे, लेकिन अभी दिल्ली में जो हलचल है, तीसरा समन और पेश। चलिए, रमेश बिदुड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रमेश जी, फिर से पेश नहीं होंगे? ईडी ने समन जारी किया, जानकारी मिल रही है कि नकार दिया गया है, कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, ये सियासी समन है। देखो, केजरीवाल साहब से ज्यादा बड़ी सियासत कौन कर सकता है जी। दुर्भाग्य है, हमारे देश में लोकतंत्र का लोग मजाक उड़ाते हैं। यही केजरीवाल साहब थे, जन लोकपाल लाने की बात करते थे, यही केजरीवाल साहब थे। मैं सिस्टम को ठीक करूंगा, यही केजरीवाल साहब थे। और अब वो अगर चुनाव का बहाना बनाते तो मध्य प्रदेश में गए थे, सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश में। नंबर टू, हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही हैं, पांचों साल होते हैं, ऐसा नहीं है चुनाव नहीं होते हैं। तो क्रिमिनल अगर इस प्रकार के बहानेबाजी करते हुए गुनाहगार अगर गुनाह में छूट लेगा तो अब ये देश धीरे धीरे जानता है, देश जानने लगा है। क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं रमेश जी, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं ईडी का समन वो सामना चोर कर रहे हैं? चोर जो होता है, जब उसको मालूम होता है कि मैंने चोरी की है, उसको मालूम होता है कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, उसको मालूम होता है मैंने गुनाह, तो तब पुलिस से भागता है। एक आम नागरिक भी जो होगा, ठीक आदमी होगा, उसको अगर कोई गलत एलिगेशन लगेगा वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाएगा, बताओ जी मेरी जांच कर लो। जिसको मालूम है मैं गुनाह मैंने किया है, मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो भय है केजरीवाल का ये कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चोर जानता है अच्छी प्रकार से उसने कितना गुनाह किया है, ठीक है, ही नोज वेरी वेल। ठीक है रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, पार्टी का स्टैंड रखने के लिए।